हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप? आपको स्वागत है आज फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमेशा की तरह आज फिर से मैं आपके लिए हाजिर हूं बहुत ही अच्छी नौकरी, बहुत ही अच्छी जॉब की जो वैकेंसियां हैं, भर्तियां हैं, उनको लेकर। दोस्तों, ये भर्तियां जो मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, आपके लिए बहुत ही खास होने वाली हैं, क्योंकि इसमें आपको मैं बता दूँ बहुत ही आसान तरीका होने वाला है आपको अप्लाई करने का, और ये आपकी फिर चांसेस हैं जॉब लगने के। दोस्तों, तो मैं आपको बता दूँ इसमें आपको कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं लगाने पड़ेंगे और बहुत ही कम डिटेल्स के थ्रू आप इसके फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। और मैं आपको आसान तरीका भी बताने वाला हूं इसके फॉर्म का लिंक भरने के लिए, और आपको लिंक के बारे में भी बताने वाला हूं। तो जॉब के बारे में बता रहा हूं दोस्तों, ये जॉब होने वाली दोस्तों जितने भी सरकारी अस्पताल हैं उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ पर्ची काटनी है। दोस्तों, सरकारी अस्पताल में जो 1 रुपये का पर्चा बनता है दोस्तों, मैं आपको बता दूँ सिर्फ आपको पर्चा काटना है और कुछ नहीं करना। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ऐसे काफ़ी सारी बहुत ही बड़े लेवल भर्ती है जो निकाली गई, सिर्फ पर्ची काटनी है और कुछ नहीं करना। तो आप देर ना करें, जल्दी से जल्दी निकल अप्लाई जरूर करें। अप्लाई करने के लिए मैं आपको बता दूँ दोस्तों आपको क्या करना होगा। दोस्तों, आपको कुछ ज़्यादा डिटेल्स नहीं भरनी इसमें, आपको बहुत ही आसान तरीके से अप्लाई करना होगा। तो देर ना करें, अप्लाई करने के लिए मैं आपको उसके लिंक के बारे में भी बताने वाला हूँ अपनी इसी वीडियो में। तो वीडियो में बने रहें दोस्तों, और अप्लाई करने के लिए मैं आपको बता दूँ आपको सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी जल्दी कर दें दोस्तों, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो, आप बहुत ही आसानी से इसको अप्लाई कर पाएँ। चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ इसकी डिटेल्स, मतलब एजुकेशन और आपकी जो उम्र है वो कितनी होनी चाहिए, वो सारी बातें दोस्तों अपनी इसी वीडियो के माध्यम से। तो इसमें आपकी जो एज है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कम से कम आपकी होनी चाहिए 18 साल। हाँ दोस्तों, आपकी उम्र 18 साल है अगर आप, तो अप्लाई कर सकते हैं बड़ी इजी तरीके से। अगर आपकी उम्र 18 साल अभी नहीं हो पाई है तो आप अप्लाई करने में आपको इसमें प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों। अगर आप 18 साल से ज़्यादा के हैं, मतलब 18 साल की हो चुके हैं, तो भी आप इसके लिए आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। आपको सिर्फ पर्ची काटनी है दोस्तों सरकारी अस्पताल में, और कुछ नहीं करना। बहुत ही आसान जॉब है दोस्तों। और मैं आपको बता दूँ पढ़ाई लिखाई इसमें बहुत ही कम रहेगी आपकी। अगर आपने 10वीं या 8वीं पास कर ली है तो आप आसानी से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी तरीका रहने वाला है दोस्तों। एजुकेशन भी आपकी बहुत ही कम है दोस्तों, और अपने आधार कार्ड के थ्रू इसके फॉर्म को आप बड़े ही इजी तरीके से भर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और मैं आपको फॉर्म के लिंक के बारे में बता देता हूँ। तो इसका फॉर्म का लिंक है दोस्तों, वो आपको मिलेगा गूगल पर सर्च करने पर, हेल्प एंड रोजगार। दोस्तों, हेल्प एंड रोजगार बहुत ही अच्छी ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पर जाकर ऐसी काफ़ी सारी जॉब्स की जो वैकेंसियों के फॉर्म है वो आप आसानी से भर सकते हैं। तो आप गूगल पर सर्च करें, नंबर 1 पर आपको मिल जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट हेल्प एंड रोजगार दोस्तों। नहीं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक करके इसके फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। दोस्तों, आपको अप्लाई करने के लिए मैं आपको बता ही चुका हूँ, आपको अप्लाई करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना हो तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी जल्दी कर दें, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो, बहुत ही इजी तरीके से आप अप्लाई कर पाएंगे। और गूगल पे आपको सिर्फ हेल्प एंड रोजगार सर्च करना है दोस्तों। हेल्प एंड रोजगार आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, और कुछ नहीं करना होगा उसका। वहाँ पर फॉर्म का लिंक आपको अवेलेबल हो जाएगा, तो देर ना करें, जल्दी जल्दी इसके फॉर्म को भर दें दोस्तों। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ दोस्तों, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों।